प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। जैन साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल अनायस ऑनलाइन हब में। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे अनायस डीएलएड से संबंधित केस के अपडेट के बारे में, साथ में सुप्रीम कोर्ट केस के अपडेट के बारे में बात करेंगे और इस न्यूज के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप जो पेपर कटिंग देख पा रहे होंगे और इस पेपर कटिंग से बहुत सारे यूट्यूब चैनल अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, अलग अलग अपना जो मन सो बक रहे हैं इस न्यूज को देखकर। और ये न्यूज के बारे में सच्चाई बताएंगे कि ये न्यूज कितना पुराना है नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल बक के चले जाते हैं तो बहुत सारे टीचर का हमें फोन कॉल्स आ रहा है और बहुत सारे टीचर परेशान है इस न्यूज को देखकर कि क्या है सर इसकी सच्चाई, थोड़ा सा बताने का कष्ट करे। तो सोचा मैं, बहुत टीचर परेशान है इसके बारे में बताएंगे, साथ में क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में भी हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि अनायस से जो भी खबरें आती है मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होता हूं। जो भी खबरें होता है मैं आपके सामने सच्चाई न्यूज ही प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ, जहां तक मेरा होता है वहीं तक मैं आपको लाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा इस न्यूज के ऊपर कि क्या है इस न्यूज की सच्चाई और आज के डेट में क्या कुछ अपडेट आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट जो है चैनल पर नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोग जुड़ते हैं तो, और नए नए जो अपडेट्स आते हैं मैं आपके बीच साझा करता हूं। तो सबसे पहले इस न्यूज को अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज बेसिकली जो है उत्तराखंड का है, ठीक है, क्योंकि ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये न्यूज जो है काफी पुराना है। अगर मैं बात करूं इस न्यूज का तो कम से कम ये न्यूज जो है लगभग एक महीने पुराना हो गया है। मैं प्रूफ के साथ भी आपको दिखा सकता हूं, मेरे सारे प्रमाण है, ठीक है, और कल के डेट में क्या कुछ अपडेट आया है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्या है अपडेट। तो ये न्यूज जो है काफी ज्यादा पुराना है, इस पर आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी अनायस कैंडिडेट है इसका मामला अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, इसका जो है कह सकते हैं इसका जो अभी जो मतलब गाइड कर रहे हैं वो बोहरा सर कर रहे हैं और आपको बहुत जल्द जो है इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। सब चीज जो है लाइव में या कहीं पर ओपन मीडिया में कहना संभव नहीं है, लेकिन आपको जो है जो सत्य है वो जो है दिखेगा, क्योंकि अनायस के बिना कहीं भी भर्ती आज तक पूरी हुई है ना होगी। सच्चाई है दोस्तों ये, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर आप देखेंगे तो आज के डेट में एक अपडेट आया है जो कि मैं आपको देख, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है कि बेसिक शिक्षक भर्ती पर कोर्ट के फैसले के बाद ही निर्णय होगा, यानी मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये कब का अपडेट है यहां पर आप देख लीजिए, तो ये अपडेट जो है 18 जनवरी यानी कल का अपडेट है। और जो आप जो ये अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि झटका अनायस को शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है, जो आप देखें थोड़ा देर पहले, तो वो दोस्तों पुराना न्यूज है, वो करीब जो है एक महीने के से भी पुराना न्यूज है। और ये जो आप अपडेट आप देख पा रहे होंगे ये लेटेस्ट अपडेट है ये कि बेसिक शिक्षक भर्ती पर कोर्ट के फैसले के बाद ही जो है निर्णय होगा, यानी बिना अनायस को लिए जो है भर्ती को आगे वहां पर नहीं बढ़ा सकती है। ये है पूरा अपडेट, हम लोग यहाँ पर जानने का कोशिश करेंगे। और ये न्यूज जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर आप ये न्यूज आप देख पा रहे होंगे कि झटका अनायस डीलेट को जो है झटका लगा है, ये न्यूज जो है बहुत पहले का है, एक महीना पहले का है, इससे कोई डरने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फिलहाल अभी चल रहा है और इसका जो है देख रेख नंदन सिंह बोहरा जी कर रहे हैं। सारी जो बातें ओपन मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं कही जा सकती, कुछ बातें ऐसी है, ठीक है, आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा, इसमें आपको डरने या किसी तरह का की बात नहीं है। तो दोस्तों इस न्यूज का अगर आप देखेंगे तो ये जो है उत्तराखंड यानी देहरादून से अपडेट जो है निकल के आ रही है और ये लेटेस्ट अपडेट है। और ये जो न्यूज आप देख पा रहे होंगे ये काफी ज्यादा जो है पुराना है, ये करीब एक महीने से ऊपर होने जा रहा है इस न्यूज को। इस न्यूज को काफी ज्यादा जो है बड़े बड़े जो है कह सकते हैं टीचर इसे वायरल कर रहे हैं, पता नहीं इसके जानकारी लिए बिना भी ही जो इसके बारे में बता रहे हैं कि अनायस को जो है भर्ती प्रक्रिया से रोक दिया है। अनायस डीएलएड
को जो है शिक्षक भर्ती से लिए बिना जो है चालू नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट में आप लोगों को मैंने जो है अपडेट देते रहता हूँ बेसिक शिक्षक भर्ती पर कोर्ट के फैसले के बाद जो है निर्णय, ठीक है। और ये मामला जो है अनाज डीलेड से संबंधित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य में अनाज डीलेड विवाद के कारण रुकी बेसिक शिक्षक भर्ती सरकार फिलहाल शुरू नहीं करेगी, ठीक है। सरकार जो है फिलहाल अभी शुरू नहीं कर सकती है क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। आगे क्या कुछ लिखा है, सरकार फिलहाल शुरू नहीं करेगी अनाज डीलेड अभ्यर्थी की परीक्षा में शामिल करने के हाईकोर्ट के फैसले पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुकी है, ठीक है। और ये पूरे भर्ती प्रक्रिया पर अभी फिलहाल रोक लगा चुकी है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुकी है। सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक इंतजार करने का निर्णय किया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसकी पुष्टि की है, और यहाँ के जो शिक्षा सचिव है रविनाथ रमन ने इसकी जो है पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार कुछ समय पहले सरकार ने इस विषय पर न्याय विभाग से राय मांगी थी। न्याय विभाग ने सरकार को भर्ती शुरू करने की राय दी थी। आगे लिखा है कि विभाग ने कहा है कि न्याय विचाराधीन मानते हुए नियुक्तियां दी जा सकती है, पर सरकार का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट से अनाज डीएलएड को शामिल करने का फैसला बहाल हुआ तो अभी भी जाने वाली नियुक्तियां भी सिरदर्द बन सकती है, लिहाजा भर्तियों को कुछ समय रोके रहना बेहतर होगा। मालूम हो अनाज डीएलएड अभ्यर्थी खुद को बेसिक शिक्षक पद के लिए पात्र मानते हुए वर्तमान भर्ती में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। मामले में हाईकोर्ट ने अनाज डीएलएड को भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। इसके खिलाफ बीएटीटी प्रशिक्षित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई 31 जनवरी को है, जिसका जो है अभी जो है नंदन सिंह बोहरा इस पर लगे हुए हैं। आने वाले दिनों पर आपको ये जो है देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे अगर आप इसके बारे में बहुत सारे अपडेट्स लेना चाहते हैं कि वैलिडिटी से संबंधित, आप जो है एनसीटी के वेबसाइट पर जाइएगा। एनसीटी के वेबसाइट पर जाने के बाद इम्पोर्टेंस जो लिंक है वहां पर क्लिक कीजिएगा, और आपको सेकेंड नंबर जो 6 जनवरी को जो जारी किया गया था वो लेटर आपको वैलिडिटी संबंधित यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, किसी भी टीचर को घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। एनएस डीलेड बिल्कुल वैलिड था, वैलिड रहेगा और आगे भी वैलिड होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इतने दिन से आप देख पा रहे होंगे इस चैनल से जो भी आती है अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपके बीच लेकर हाजिर होता हूँ। और भी आप अलग अलग अगर राज्य का वैलिडिटी से संबंधित देखना चाहेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो है जजमेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं अनाज डीलेड वैलिडिटी से संबंधित, यहाँ पर देख सकते हैं। किसी को यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो के यहाँ पर समाप्त करते हैं, आगे की जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर का फोन कॉल आ रहा था कि सर जो ये न्यूज दिखाया जा रहा है कितना तक सही है नहीं है, कितना पुराना है नहीं है। तो ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये न्यूज काफी पुराना है, ठीक है, और ये करंट अपडेट नहीं है, ठीक है। और आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोग को देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए अपडेट के साथ, और लेकिन ये अपडेट जो है नया है, जो मैंने अभी दिखाया ये अपडेट नया है, यानी शिक्षक भर्ती कोर्ट के फैसले के बाद ही जो है हो पाएगा। अनाज डीलेड विवाद की वजह से रुकी है बेसिक शिक्षक भर्ती, आप लोग जानते हैं। तो आगे की जो भी अपडेट आएगा आप लोग को दिया जाएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।